जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, यह तीन कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, वह कौन से तीन कर्म हैं जिससे करने से प्राणी सुखी रहता है, दुखी होता ही नहीं है। हाँ भक्त, सबसे नंबर वन, पहला जो नंबर है, जो व्यक्ति हर प्राणी के अंदर उस परमपिता परमात्मा की मूर्ति का अनुभव करता है, वह कभी दुखी हो नहीं सकता, वह हमेशा सुखी ही रहेगा। नंबर दो, जो व्यक्ति हमेशा, यह नहीं कभी कभी, दूसरों के लिए बिना लाभ हानि के, बिना दुख सुख के और सेवा करता है, कर्म करता है, वह कभी दुखी हो नहीं सकता। और नंबर तीन, जो छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसको सेवा करने में हिचकिचाता नहीं है और उसकी इस तरह से सेवा करता है जैसे वो परमात्मा की सेवा कर रहा है। यानी कि कभी भी वो किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से दुख का अनुभव कराने का प्रयास ही नहीं करता है, केवल इस तरह का कर्म करता है कि वो जो भी कर्म कर रहा है उससे उसको सुख मिलेगा, दुख बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, अगर ये तीन कार्य आप करते हैं तो आप कभी दुखी हो नहीं सकते, आपको कोई दुखी कर नहीं सकता है। यह 100% नहीं, 1000% है, लेकिन इस तरह का जो कर्म करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, जो जीवन भर नहीं अनंत समय तक सुखी रहते हैं, दुख उनके पास कभी आता नहीं है। तो प्यारे भक्तों, आप भी ये प्रयास करें कि इस तरह से ये तीन कर्म करें और अपने जीवन को सदा सदा के लिए सुखीमय बनाएं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।